दोस्तों, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल द फैक्टो हिंदी में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, यूं तो अलग अलग खासियत वाले आपने कई पेड़ देखे होंगे, कोई सबसे पुराना होगा तो कोई बहुत ही अजीबोगरीब आकृति वाला। दुनिया में कई रहस्यमयी और विचित्र तरह के पेड़ पाए जाते हैं जिनके बारे में शायद ही सब लोगों को पता हो। संपूर्ण दुनिया में चमत्कारिक रहस्यमयी और विचित्र तरह के पेड़ पौधे और लताएं हैं, बट आज हम आपको ऐसे वृक्षों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इनकी विचित्रता के कारण ही ये विश्व प्रसिद्ध हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले प्लीज नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी है ना, जरा उसे भी दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको बताते हैं ऐसे ही बेहद विचित्र और अजीबोगरीब पेड़ों के बारे में। नंबर वन, बॉटल ट्री। ये पेड़ नामीबिया में पाया जाता है और ये धरती के सबसे घातक पेड़ों की गिनती में आता है। इस पेड़ से निकलने वाला दूधिया रस बहुत ही जहरीला होता है। पुराने समय में तो इस पेड़ को शिकारी अपना शिकार करने के काम में भी लाते थे। शिकारी इसके जहरीले दूधिया रस को अपने तीर पर लगाकर शिकार को निशाना बनाते थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बताइए ना, आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर टू, वोना ट्री। संयुक्त राज्य अमेरिका के योसेमाइट राष्ट्रीय उद्यान के मारीपोसा ग्रोव में स्थित ये पेड़ काफी विशालकाय है और सन 1881 में इसके तने के बीच में से काटकर इसमें से रास्ता बना दिया गया। इसी कारण ये पेड़ पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना रहता है। भाई वाकई में बेहद अजीब है ये पेड़। नंबर थ्री, टी पॉट बॉबैब। हजार साल पुराने ये पेड़ मेडागास्कर से मिलते जुलते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई करीब 80 मीटर होती है जबकि इनका तना करीब 25 मीटर से भी ज्यादा मोटा होता है। सूखा पड़ने की स्थिति में इनका तना अपने लिए पानी इकट्ठा करने के काम आता है। एक अजीब बात तो यह है कि सावन के मौसम में जब इन पेड़ों पर फूल लगते हैं तो वो सिर्फ 24 घंटे तक ही रहते हैं और फिर टूट जाते हैं। नंबर फोर, सिल्क कॉटन ट्री। दक्षिण पूर्व एशिया के टॉप रोम मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये पेड़ ही है। इस पेड़ की जड़ों ने इस मंदिर को चारों तरफ से जकड़ रखा है। इस पेड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा है और पर्यटकों के लिए ये पेड़ आकर्षण का केंद्र बना रहता है। आपको बताना चाहेंगे कि ये मंदिर यूनेस्को के विश्व विरासत है। नंबर फाइव, हाइपेरियन ट्री। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ है। इस तरह के पेड़ 1200 से 800 साल तक जिंदा रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इस हाइपेरियन पेड़ की लंबाई की बात की जाए तो ये करीब 115.5 मीटर ऊंचा है जबकि ये करीब 9 मीटर चौड़ा है। ये पेड़ न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा है। भाई कमाल है नेचर की खूबसूरती। नंबर सिक्स, पिजीबाय पाम। दोस्तों, मूल रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला ये पेड़ अपने आप में काफी अनोखा है। इस पेड़ के तने पर स्पाइक्स बने होते हैं और इसके पत्ते करीब 3 मीटर तक लंबे होते हैं। इस पेड़ पर लगने वाला किण्वित फल काफी लोकप्रिय है। नंबर सेवन, क्रूकेड फॉरेस्ट ऑफ ग्राइफिनो। पश्चिम पोलैंड में ग्राइफिनो के पास उगे ये करीब 400 पेड़ काफी रहस्यमयी हैं। ये पेड़ बड़ी अजीब आकृति के हैं और इन पेड़ों की ऐसी आकृति कैसे बनी ये कोई नहीं समझ पाया। किसी का कहना है कि इंसानों ने इन पेड़ों को ऐसा आकार दिया है ताकि इन्हें फर्नीचर इत्यादि बनाने के काम में लाया जा सके। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या कारण रही होगी ऐसी आकृति होने की, बताइए ना कमेंट में। नंबर एट, बर्मिस ट्री। इस पेड़ की कहानी भी काफी अनोखी और रहस्यमयी है। ये पेड़ कनाडा में स्थित है लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस पेड़ की 1770 के दशक में ही मौत हो गई थी लेकिन आज भी ये पेड़ बिना किसी नुकसान के वैसे ही खड़ा है। हालांकि एक बार सन 1998 में तेज हवा के चलते ये पेड़ गिर गया था लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने इस पेड़ को फिर से खड़ा कर दिया। नंबर नाइन, सनलैंड बाओबैब। दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो राज्य में स्थित ये पेड़ वहां का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बाओबैब पेड़ है जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर और घेरा करीब 47 मीटर का है। ये पेड़ विश्व के सबसे पुराने पेड़ों में से एक है और माना जाता है कि ये करीब 6000 साल पुराना पेड़ है। तो दोस्तों, देखा आपने कितने अजीबोगरीब और विचित्र तरह के पेड़ पाए जाते हैं इस प्रकृति में। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इससे हमें काफी प्रेरणा मिलती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।